गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेके एग्जाम्स। माय नेम इज़ महक तारिक। मैंने आपके सुपरवाइज़र की जो स्पेशलाइजेशन की क्लासेस हैं वो स्टार्ट की हुई थी, और उसमें आप हमारे प्रीवियस अगर लेक्चर्स देख रहे हैं तो यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ नहीं देखा वो जाके हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, आप उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट सिक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपका यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री और यूनिट फोर कंप्लीट हो चुका है स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का आपका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हमने चारों के चारों यूनिट्स कवर कर लिए हैं। इसकी PDFs भी जो है हमारी ऐप पर प्रेजेंट है, आप प्ले स्टोर से टारगेट जेके एग्ज़ाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सुपरवाइज़र का फुल कोर्स मिल जाएगा। आप महक 20 कूपन का यूज़ करिए और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम आपका अभी डेट नहीं आई है, तो उससे अभी हमने 60 मार्क्स का जो स्पेशलाइजेशन है वी हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड इट एंड वी आर लेफ्ट विद यूनिट 5 एंड यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 5 का कुछ लेक्चर्स जो हैं आपके अपलोडेड हैं और कुछ जो बचे हुए लेक्चर्स हैं वो मैं आज आपके साथ स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे जाके ही थर्ड फोर्थ यूनिट देख सकते हैं, और या फिर आप ऐप डाउनलोड करके सुपरवाइजर का कोर्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूनिट सिक्स में आप देख सकते हैं कि पहला जो सब यूनिट है उसके अंदर है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके अंदर हमें गवर्नमेंट के प्रोग्राम स्टडी करने हैं, NGOs के प्रोग्राम स्टडी करने हैं, किसके रिलेटेड, मेडिकल हेल्थ केयर, अडॉप्शन, फॉस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, चाइल्ड एक्ट एंड चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो जब मैं इसको देख रही थी तो मैं इसमें देख रही थी कि देखिए चिल्ड्रन एक्ट और चिल्ड्रन राइट्स आप पढ़ चुके हैं यूनिट थर्ड में। ठीक है, इसको मैं रिपीट यहाँ पे नहीं कराऊंगी। चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड एक्ट्स के साथ जितना भी वो हमने पूरा यूनिट थर्ड फोर्थ था ही इसी पे। ठीक है, तो आपको इसको रिपीट नहीं करना है, और उसके बाद जो टॉपिक्स हैं हमें ये वाले करने हैं, दैट इज़ मेडिकल हेल्थ केयर, अडॉप्शन, फॉस्टर, इंस्टीट्यूशनल केयर। ठीक है, इसके अंदर भी गाइज आपने क्या करना है कि देखिए मेडिकल हेल्थ केयर जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें जो जैसे हम हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ पोषण अभियान है यहाँ के अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन है। ठीक है, तो इस तरह से जो नीचे वाले कुछ स्कीम्स हम कवर करेंगे ना, जब न्यूट्रिशन प्रोग्राम ये सब कवर करेंगे तो ये सब हेल्थ केयर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब नीचे वाले सारे के सारे सब यूनिट हम कंप्लीट करेंगे तो आपको मेडिकल हेल्थ केयर पर मैं अलग से एक शॉर्ट लेक्चर लेके आ जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद आपका बच रहा है अडॉप्शन, फॉस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर। तो आपको टेक्निकली इस सब यूनिट के अंदर सिर्फ यही करना है, दैट इज़ अडॉप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, हम फॉस्टर केयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यही दो टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर करने हैं, बाकी चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड एक्ट्स आपको कवर नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि मैं आपका सेकंड सब यूनिट कवर करूंगी, दैट इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। जब आपका ये कवर हो जाएगा तो आपका मेडिकल हेल्थ केयर का खुद ब खुद इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुपरवाइजर का जो कोर्स है ये बहुत ओवरलैप कर रहा है, चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, रिपीट होती जाएंगी, लेकिन आपको जो है आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो कवर हो जाएं, और जो एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आ रहे हैं ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स आल्सो। ओके, चलिए देखते हैं। आज हम जो आप स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सिक्स का, दैट इज़ सेकंड सब यूनिट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, हम हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप हमारी टारगेट जेके एग्जाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आपको यहाँ पे सुपरवाइजर का कोर्स और नायब तहसीलदार का JKPSC का जो प्रीलिम्स आने वाला है उसका आपको मेंटोरशिप मिल जाएगा। मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हमारा आ रहा है, उसके साथ साथ आपको वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो आप जाके आप डायरेक्ट पटवारी के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप हमारी टारगेट जेके एग्जाम्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फैमिली प्लानिंग हम स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा सब यूनिट है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड बता देती हूँ, जो आपके आपको पता भी है। हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो हमने ऊपर सब यूनिट पढ़ा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर जो है शुरू में तो इतनी प्रॉब्लम पॉपुलेशन की नहीं थी, लेकिन विद टाइम जो है पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बढ़ता गया, जिसमें हमने पढ़ा था 1951 से लेकर 1981 तक।
ठीक है, ये जो पीरियड था इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया के अंदर इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है 1951 से 1981 तक, ठीक है, 47 के बाद, ठीक है, आपको याद रखना है, मैंने आपको बोला भी था कि इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो क्या आ सकता है कि 1951 से 1981 तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में हुआ। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया के अंदर, पॉपुलेशन एकदम बढ़ गई। देखिए उस वक्त 1947 हम लोग अभी अभी जो है वो फ्रीडम अटेन किया था, अभी हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करते। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत बढ़ता गया, पॉवर्टी बहुत पीक पे थी, उसके अलावा मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, चाहे वो वुमेन का हो चाहे वो चिल्ड्रन का हो, ठीक है, तो वल्नरेबल सेक्शंस का जो मतलब उनकी डिसेबिलिटी है वो बढ़ती ही जा रही थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू कम अप विद पॉलिसी और प्रोग्राम टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, ठीक है। तो 1951 से 81 तक साथ साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते तो जो हमारी इकॉनमी है वो डिस्टेबलाइज हो जाती, इकॉनमी भी कम हो जाती, हमारा पोलिटिकल फिगर्स पोलिटिकल सिनेरियो पर उसका फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देता, हमारी हेल्थ पे, क्राइम पे, जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, जो भी आप जानते हैं, वो सब जो पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से आती हैं, वो सब हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए 1951 के बाद खासकर गवर्नमेंट ने सोचा, जब 1951 और 1981 के बीच में हमारे पास डाटा आता है जिसमें हमें पता चलता है 1951 में कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। उस वक्त जो फर्टिलिटी रेट मतलब एक घर के अंदर एक कपल के 5 से 6 बच्चे, कम से कम 5 से 6 बच्चे हुआ करते थे, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में सोचा कि हमको अभी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग लानी पड़ेगी। देखिए फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आप सब जानते हैं, फैमिली प्लानिंग हो गया कि जो कपल्स हैं वो आपस में डिसाइड करेंगे, जो मैरिड कपल्स हैं, कि उनको कितने बच्चे चाहिए, ठीक है। तो उसका एक लिमिट सेट कर दिया गया, ठीक है, जैसे 2 का लिमिट सेट कर दिया गया कि एक कपल के सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये लिमिट सेट नहीं करते तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती, ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम्स होती। तो 1952 में जो है हम फैमिली प्लानिंग की शुरुआत करते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम जो आई 1951 के अंदर जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी, तो हमने सोचा 1952 में कि हम फैमिली प्लानिंग लाएंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इंडिया जो है इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग की बात की, फैमिली प्लानिंग एज ऑफिशियल तरीके से इंडिया ने लॉन्च किया, ठीक है, प्रोग्राम्स और पॉलिसी, इंडिया वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट कंट्री है, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग हमने कब लाई, 1952 के अंदर, ठीक है, हम आज इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 1952 के अंदर फैमिली प्लानिंग लाई, लेकिन किस तरह से लाई, क्या क्या मेजर्स थे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग की बात की, इससे पहले फैमिली प्लानिंग की बात किसी भी कंट्री में होती थी अलग अलग, लेकिन एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम किसी कंट्री ने फेस नहीं की थी, जो इंडिया फेस कर रहा था प्रॉब्लम वो किसी और कंट्री में इतनी प्रॉब्लम थी नहीं कि वो इतने लार्ज स्केल पे कुछ तरह का प्रोग्राम लॉन्च करते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग है 1952 में सबसे पहले आती है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यही आ जाता है कि फैमिली प्लानिंग जो है वो लॉन्च कब होती है, दैट इज़ इन 1952 एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सच नेशनल फैमिली प्रोग्राम एट सच ए लार्ज स्केल, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इस फैमिली प्लानिंग का जो जो मिशन था उसका उसके मिशन जो फैमिली प्लानिंग का हमारा जो हमने लॉन्च किया 1952 के अंदर, तो इसमें इंडिया फर्स्ट कंट्री है, और आपको याद रखना है कि इसमें हमारे 2 मिशन थे, ठीक है। 2 मिशन क्या थे, एक तो हमें फर्टिलिटी रेट कम करना था, ठीक है, फर्टिलिटी रेट्स को हमें कम करना था। मैं आपको आगे बताती हूँ कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है, आप ऐसे याद रखिए, फर्टिलिटी रेट होता है कि एक वुमेन, ठीक है, एक नॉर्मल वुमेन वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है ऑन एवरेज, ठीक है, वो कितने बर्थ कर रही है, ठीक है। तो अगर घर में 5 से 6 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो ये फर्टिलिटी रेट उस वक्त था, तो हमको इसको कम करके 2 तक लाना था, ठीक है। तो हमें फर्टिलिटी रेट कम करना था, यानी हमें नंबर ऑफ बर्थ्स पर कपल कम करना था, पर वुमेन कम करना था। तो पहला ऑब्जेक्टिव
5 हमारा ये था जो हमने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया, ठीक है। साथ साथ दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो करना था, ठीक है, स्लो करना था क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1952 के अंदर ये लाया और इंडिया ने क्या किया, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान आप जानते हैं कि हमने 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की थी उस वक्त, यानी 5-5 साल का एक टारगेट बना जाता था कि हमें ये चीज़ें इन 5 सालों में करनी है। तो हमारे 5 ईयर प्लान्स में फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड किया गया, ठीक है। एक बहुत बड़ा मिशन था जो हमने उस वक्त लाया क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1950s में और 1960s में ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहा, 1970s में तो। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होती है 1970s में आके, ठीक है। 1970s में जो हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी के बाद जो संजय गांधी थे, खासकर संजय गांधी के टाइम पे और 1976 के अंदर, आपको याद रखना है, अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो फैमिली प्लानिंग की जब तक बात आती है तो 1976 की ये डेट जो है ये याद रखी जाती है। 1976 में क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि फोर्स्ड स्टरलाइजेशन की बात की। फोर्स्ड स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ कि स्टरलाइजेशन क्या है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि हम आराम से बर्थ कंट्रोल और ऐसे मेजर्स नहीं करते, हम क्या करते हैं, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन। यानी स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको सर्जरी के थ्रू, ठीक है, उनको सर्जरी के थ्रू आप जो है उस ऑर्गन को जो है उसको इनइफेक्टिव कर रहे हो, या फिर उसको प्रॉपर कटिंग और फोल्डिंग, उस तरीके से एक प्रॉपर सर्जरी होती है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, तो यहाँ पे इसको स्टरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सफुली करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, और मोस्ट प्रॉब्ली 1976 के अंदर हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो आई, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है ये इंडिया मतलब ये फर्स्ट ऐसी कंट्री माने जाने लगा जो फोर्स स्टरलाइजेशन कर रही थी। तो आपने याद रखना है कि उस वक्त 2.6 मिलियन कम से कम जो लोग थे उनकी स्टरलाइजेशन की गई, और ये जो है मतलब इट्स 2.6 मिलियन से लेके 8.1 मिलियन तक लोग पहुंच गए, यानी एक साल के अंदर इतने लोगों की स्टरलाइजेशन की गई, ठीक है। तो इसको जो है एक डार्क पीरियड ऑफ कहा जाता है, डार्क हिस्ट्री ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। बीबीसी की अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री है अगर आप उसे देखेंगे तो इसको कहा जाता है डार्क, ठीक है, डार्क हिस्ट्री ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी एक बहुत बुरी बात थी। क्यों? क्योंकि देखिए फैमिली प्लानिंग की जहाँ तक बात है, या पॉपुलेशन बढ़ रही है या उसको कंट्रोल करना है, तो ये लोगों को जो है इसके बारे में अवेयरनेस करना इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी खुशी से ये काम करना चाहें क्योंकि कंट्री तो हमसे ही बनती है, पॉपुलेशन से बनती है, तो ये जो लोग डिसाइड करते हैं तो ये तब इम्पॉर्टेंट है, यानी। लेकिन फोर्स स्टरलाइजेशन करके आपने कहीं फ्रीडम जो है, लिबर्टी जो है, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि फोर्स स्टरलाइजेशन कब होती है, 1976 के अंदर होती थी, इंदिरा गांधी के टाइम जब इमरजेंसी लाई गई, तो संजय गांधी के द्वारा ये प्रोग्राम मास तरीके से इंडिया के अंदर लाया गया, और 1970s में जो है 2.6 मिलियन से लेके 8.1 मिलियन लोगों का जो है स्टरलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। और ये बहुत ह्यूज नंबर है, और ये क्यों किया गया, ताकि बर्थ कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिस थी क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है। आप सिटीजन्स को जो है फोर्सफुली किसी चीज़ पे वो नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं 1970s के बाद जो है 80s और 90s में गवर्नमेंट का जो प्लान था ना 2000s में भी टूवर्ड्स पॉपुलेशन कंट्रोल, वो चेंज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे बहुत ज़्यादा पुश किया गवर्नमेंट ने, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि देखिए उसके अलावा कुछ हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में मैंने आपको बताया, देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि 80s, 90s और अभी भी जो है, अभी जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे ज़्यादा पुश करते हैं, हम इस तरीके के फोर्स तरह के स्टरलाइजेशन पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा जो ये टॉपिक है ये साइंस ओरिएंटेड है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो आराम से समझ जाएंगे, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पे क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा इसमें बता देती हूँ। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है कि बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके बर्थ कंट्रोल करना, इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, ठीक है। तो अभी बर्थ कंट्रोल करने के लिए बोला कि हम इस तरह की फोर्स स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करेंगे जिससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है, जो कम से कम बच्चे घर में पैदा होंगे, ठीक है।
है। उसमें देखिए सबसे पहले जो मेथड होता है वो होता है नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पीरियड्स डिले का वो मेथड होता है, उस तरह से अर्ली इजेकुलेशन का, कुछ इस तरह के नेचुरल मेथड्स होते हैं जो जिस तरीके से आप जो है बर्थ कंट्रोल को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेथड होता है दैट इज़ फिजिकल मेथड और बैरियर मेथड। देखिए बैरियर मेथड में क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स यू आर यूजिंग सम बैरियर, जैसे कॉन्डम्स का यूज़ किया जाता है और डायफ्राम्स का। डायफ्राम्स आप याद रखेंगे कि फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है और कॉन्डम्स जो होते हैं ये मेल के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन बैरियर्स का यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डायफ्राम्स आप याद रखिए फीमेल के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड मेथड है दैट इज़ आई यू डीज क्या होता है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या हो गया कि जो फीमेल बॉडी है, ठीक है, फीमेल की जो सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो यूट्रस होता है वहाँ पे ये कुछ डिवाइसेस डाले जाते हैं ताकि बर्थ कंट्रोल हो सके, ठीक है। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उस तरह से जो फोर्थ है दैट इज़ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं कि कुछ टैबलेट्स खा के, कुछ मेडिसिन खा के आप बर्थ कंट्रोल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सहेली एक मेडिसिन होती है, तो ये खाकर अगर आप अपने सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद ये एक टैबलेट ले लेते हैं तो आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पे एक मेथड होता है दैट इज सर्जिकल मेथड यानी आप सर्जरीज का यूज़ करके बर्थ कंट्रोल जो है करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये पांच मेथड्स हैं जिनसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहा जाता है, इनको बर्थ कंट्रोल मेथड्स कहा जाता है, इससे बर्थ कंट्रोल जो है किया जाता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरीज़ का मेथड होता है, ठीक है। देखिए सर्जरीज जो है इसमें दो तरह की होती हैं, इनको टर्मिनल मेथड्स भी बोला जाता है और सर्जरिकल मेथड भी बोला जाता है, यानी हम सर्जरीज़ का यूज़ करके जो है बर्थ कंट्रोल करते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी। आपको ये दोनों टर्म्स याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए वेसेक्टॉमी होता है कि जब हम जो वैस डेफरेंस होता है, वैस डेफरेंस ये मेल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे जो स्पर्म जो है मूव होता है, तो वैस डिफरेंस को भी हम कट कर देते हैं या फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। जब उसको हम वैस डिफरेंस को कट या फोल्ड कर देते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म जो है वो निकल नहीं पाता, तो उससे आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ट्यूबेक्टॉमी, देखिए ट्यूबेक्टॉमी जो होती है वो फीमेल्स में की जाती है, आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि वेसेक्टॉमी जो है किस में की जाती है, दैट इज मेल, और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में की जाती है। इसमें जो फीमेल की यूट्रस के ऊपर फेलोपियन ट्यूब्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कट या फोल्ड कर दिया जाता है, उससे जो फीमेल एग है वो जो है उसको वो जो है वहाँ पे उसकी वहाँ पे वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो उससे बर्थ कंट्रोल खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। ये सर्जिकल मेथड्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो है ये आपने यहाँ पे हो गया ना सर्जिकल, इसमें मैंने आपको बता दिया एक होता है वेसेक्टॉमी और एक होता है ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। आप ट्यूबेक्टॉमी जो है ये वेसेक्टॉमी जो है ये वास डिफरेंस से आप याद रखेंगे और ट्यूबेक्टॉमी ट्यूब से याद रखेंगे कि फीमेल में होते हैं फिलोपियन ट्यूब्स को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है और वेसेक्टॉमी मेल में होती है, और वैस डिफरेंस जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसको डिफंक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप सर्जिकल मेथड्स में दो मेथड्स याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आईयूडीज क्या होते हैं, आईयूडीज पे क्वेश्चन आ चुका है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। देखिए आईयूडीज क्या होते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखिए आईयूडीज मैंने आपको बताया कि यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस डाले जाते हैं जिससे क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है, ठीक है। तो आईयूडीज क्या होते हैं, बेसिकली ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू वजीना, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल करते हैं इसको, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें आप जो इंपॉर्टेंट आता है इसमें आप इनके नाम याद रखेंगे। देखिए एक होता है नॉन मेडिकेटेड, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म की, यूट्रोफाइगोसाइट, मतलब ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि आईयूडीज क्या है। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यूट्रस उसके अंदर डाली जाती हैं ताकि वहां पे जो है बर्थ कंट्रोल हो सके। उसमें एक नॉन मेडिकेटेड तरीके में आता है, उसमें आपको नाम याद रखना है, उसको बोलते हैं लिपिस लूप। आपको नाम डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज लिपिस लूप, तो आपको याद रखना है ये एक आईयूडी है, ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो डॉक्टर के द्वारा यूट्रस में डाला जाता है। एक होता है कॉपर रिलीजिंग यानी ऐसे डिवाइसेज होते हैं छोटे छोटे जो यूट्रस में डाले जाते हैं। अब ये कॉपर क्या करते हैं कि कॉपर जो आपने एलिमेंट होता है ना, नॉर्मल हम कॉपर यूज करते हैं, तो कॉपर आइंस को रिलीज करता है ये, और इससे जो है जो अगर आपकी फीमेल बॉडी में
में स्पर्म आता भी है तो उसको ये किल कर देता है, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग कुछ डिवाइसेस डाले जाते हैं, इसका नाम आपने याद रखना है कॉपर टी, ठीक है। मल्टीलोड 375 इनके नाम आते हैं, आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक तीसरा जो मेथड है दैट इज़ हार्मोन रिलीजिंग, कुछ ऐसा डाला जाता है जो एक मतलब हार्मोन्स को रिलीज करता है, आपको इसका भी नाम याद रखना है, दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन और LNG20, ठीक है। आपको नाम इनके याद रखने, हो सकता है क्वेश्चन इनमें से डायरेक्टली आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसी फैमिली प्लानिंग के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ और याद रखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि एक स्कीम लाएगी, वो था मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास आपने याद रखना है 2016 में आता है, ठीक है। मिशन परिवार विकास कब लाया गया, 2016 में, ठीक है। तो आपको 2016 में, और इसमें बोला गया कि जो मिशन परिवार विकास के अंदर 146 डिस्ट्रिक्ट थी, 146 डिस्ट्रिक्ट वो वाली डिस्ट्रिक्ट जहाँ का मतलब बर्थ बहुत ज़्यादा था, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था, तो वहाँ पे ये मिशन परिवार विकास 2016 में हमने लाया और वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उनको फ्री में मतलब असेसिबली जो है पहुँचाया जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती आशा स्कीम्स, ठीक है। आशा स्कीम्स क्या होगी कि आशा जो वर्कर्स होती हैं बेसिकली उनको अपॉइंट किया जाता है, और आशा वर्कर्स का काम क्या होता है कि वो जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं ना उनकी काउंसलिंग करती हैं, स्पेसिंग एट बर्थ के लिए मोटिवेट करती हैं, होम डिलीवरी करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आता है इंश्योरिंग स्पेसिंग एट बर्थ ESP, इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि आशा वर्कर्स क्या करती हैं कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको मतलब मोटिवेट करती हैं कि वो क्या करें। अब आपको ये याद रखना है मतलब स्पेसिंग ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर मैरिज, फॉर एग्जांपल अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 साल तक आप चाइल्ड बर्थ ना करें, और अगर आपका पहला बच्चा है तो दूसरा बच्चा आप 3 साल के बाद करें, ठीक है। तो ये आपको स्पेसिंग पीरियड याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है, यानी अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो उसके 3 साल के बाद अगला बच्चा पैदा हो, और शादी के 2 साल तक आप यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट चाइल्ड। तो ये जो काम है ये आशा वर्कर्स करती हैं, और आशा वर्कर्स का काम क्या होता है कि न्यूली जो कहीं शादी होती है, कहीं मोहल्ले में कुछ होता है, तो आशा वर्कर्स जो हैं वहाँ जाके उनको काउंसिल करती हैं, ठीक है। तो ये काउंसलिंग की जाती है आशा वर्कर्स के द्वारा। और दूसरा काम आशा वर्कर्स का क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, आशा वर्कर्स 6 यूनिट में आपको है, इसमें हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव करती हैं, घर घर जाके कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो पहुँचाने का काम आशा वर्कर्स का होता है, ठीक है। आपको ये स्पेसिंग पीरियड याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, 2 ईयर्स आफ्टर मैरिज एंड 3 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, ओके। देखिए उसी तरीके से एक छोटा सा है, एक निश्चय करके है एक ना, तो निश्चय क्या है, एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, ठीक है। निश्चय आप नाम याद रखेंगे, ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली प्लानिंग ये आपका थोड़ा सा, एक चीज़ इसमें मैं आपको करवाना भूल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, धन्वंतरी राम राय। धन्वंतरी आप तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इनको आर्किटेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है। 1952 में जो है हमारी जो पॉलिसी फैमिली प्लानिंग की थी उसमें धन्वंतरी रामा राय का बहुत बड़ा हाथ था, तो इनको आर्किटेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग अगर पूछा जाए तो वो धन्वंतरी रामा राय हैं, ठीक है। उस तरीके से फैमिली प्लानिंग के बारे में हमने ये स्टडी किया कि फैमिली प्लानिंग जो है वो 1952 में इंडिया ने लाई, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सच प्रोग्राम। और मिशन परिवार विकास जो है 2016 में आता है, तो ये 146 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया था, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग एट बर्थ ESP क्या होता है वो भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फैमिली प्लानिंग का आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड करने हैं और उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। आपको जैसे डायफ्राम याद रखना है, आपको इनके कॉपर टी क्या होता है, CU7 मल्टीलोड, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हो गया कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव, मैंने आपको बताया कि 1950s में हमने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, 1970s में हमने फोर्स स्टरलाइजेशन की, लेकिन 80s और 90s में जाके हम ना कहीं हम कॉन्ट्रासेप्टिव पे बहुत ज़्यादा पुश हो गया। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हमने पढ़नी है, दैट इज़ नेशनल पॉपुलेशन, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा आपको कवर करवा लेती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, 2000 में लाएगी, क्यों लाएगी, क्योंकि इससे पहले ना मतलब समझ नहीं आ रही थी, डिफरेंट प्रोग्राम्स और वो तो पॉलिसीज लाई गई थी, लेकिन एक बड़ी पॉलिसी जो हमारे फैमिली प्लानिंग को अगले 10 20 30 साल के लिए विजन करे, वो हमने 2000 में लाई, ठीक है। देखिए आपको इसका ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आपको याद कर लेने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो
कॉन्ट्रासेप्शन है, नहीं ठीक है, जो लोगों तक कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स हैं और लोगों के अंदर जो एक बैरियर है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके, या एक जो मतलब एक जो डर है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके, उसको हटाना है हमें। कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लानी है, ठीक है। तो इसको लेके हमें जो एक स्टिग्मा है लोगों के अंदर, उसको हटाना है। तो पहला जो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव था कि एड्रेस अनमीट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ओके। दूसरा हमारा जो इसमें ऑब्जेक्टिव था वो हमें टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना था, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। और तीसरा हमारा पॉपुलेशन को हमें स्टेबल करना था 2045 तक, ये इंपॉर्टेंट है, 2045, ठीक है। अभी भी मतलब उसको बहुत साल हैं, तो वहाँ तक चलकर हमको जो है हमारा मतलब ये पॉपुलेशन है उसको हमें स्टेबल करना था, यानी कम से कम 50 साल की विजन लेके ये पॉलिसी बनाई गई थी, ठीक है। तो हमने देखना है कि सबसे पहले तो हमें कॉन्ट्रासेप्शन को जो है आम करना है, लोगों तक पहुँचाना है, और उसको उसके लिए स्टिग्मा जो है लोगों के अंदर दूर करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है, और पॉपुलेशन को स्टेबल करना है बाय 2045। ये तीन ऑब्जेक्टिव थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के, ठीक है। उसके नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने आपको बताया टोटल फर्टिलिटी रेट, अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ये टर्म है, इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक वुमेन बेयर कर सकती है ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ठीक है। यानी एक वुमेन जो है वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। देखिए एक टाइम ऐसा था कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का था ना वो 5.36 इतना था, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा था। एक औरत जो है 5 से 6 बच्चों को जन्म देती थी, ठीक है। लेकिन विद टाइम जैसे हम जब फैमिली प्लानिंग लाएगी, जैसे टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, टू चाइल्ड पॉलिसी इंडिया ने लाई, और टू चाइल्ड पॉलिसी में क्या था कि एक औरत जो है एक कपल दो ही बच्चे जो है जन्म दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम दो हमारे दो करके, जैसे हमारे पास स्लोगन है हम दो हमारे दो, ये स्लोगन बहुत आम हुआ था। तो इस तरह के जो स्लोगन्स थे और ये पॉलिसी थी, तो बेसिकली फिर टोटल फर्टिलिटी रेट पे ही हमारा ध्यान था। हम चाहते थे टोटल फर्टिलिटी रेट कम किया जाए, उसी तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका 2023 का जो हमारा डाटा है वो हम देखते हैं कि वो बोला गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो फिफ्थ राउंड था, उसमें बोला गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है, ठीक है, यानी ये बहुत कम है। और जो एवरेज डाटा है वो बोला जाता है कि 2.1, यानी बहुत कम हो गया है, ठीक है। फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2.0 है, और कुछ और सर्वेज हैं उनके मुताबिक 2.1 है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का बहुत डिक्लाइन कर गया है, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या का अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कि वो डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन करने का मतलब यह है कि अब हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होगी, अभी नहीं होगी, 30-40-50 साल के बाद डिक्लाइन पे चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, देखिए रिप्लेसमेंट रेट बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए ना, अगर दो लोग हैं, अगर उनके दो बच्चे होते हैं तो उसको रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। अगर इसी उनके आगे दो बच्चे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनकी डेथ हो जाएगी दो, तो इस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ती है, पॉपुलेशन ना कम होती है ना घटती है। अगर दो लोग दो ही लोगों को जन्म दे रहे हैं तो मतलब जो है डेथ रेट हो जाता है, फिर बर्थ हो, ऐसे करते करते पॉपुलेशन जो है ये स्टेबल रहती है। तो ये होता है जो है रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, यानी दो लोग हैं वो अपनी रिप्लेसमेंट के बदले दो बच्चे जो है उन्हें पैदा किए, और फॉर एग्जांपल उनकी डेथ हो गई तो दुनिया पर तो दो ही बच्चे रहे, फिर अगर इनके बाद भी दो ही बच्चे होते हैं तो फिर ये इसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट रेट। तो रिप्लेसमेंट रेट जो है ये हमने जो है आपको लग रहा होगा कि दो जन हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनका रिप्लेसमेंट रेट तो दो ही होना चाहिए, दो बच्चे, लेकिन नहीं, रिप्लेसमेंट रेट जो है हमारा 2.1 है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 इसलिए रखा गया क्योंकि कई बार डेथ भी हो सकती है या उस तरीके से कुछ भी हो सकता है, तो हमने रिप्लेसमेंट रेट 2.1 रखा है, ठीक है। देखिए रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट होता है लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस, ठीक है। रिप्लेस करना यानी दो का दो इसको रिप्लेस करना फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इसको हम रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, ठीक है। और ये 2.1 है, ये आपको याद रखना, ये पूछा जाएगा कि रिप्लेसमेंट रेट कितना होता है, 2.1, ठीक है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक अभी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.0, ठीक है। आप देखेंगे कि रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है।
ठीक है। देखिए आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये टर्म्स जो आती है मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा डिटेल इसका करवा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, मेंशन किया हुआ है उन्होंने तो वो किसी भी जोन में जा सकते हैं। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बेसिकली क्या होता है, ये एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसके द्वारा जो है ये सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। इसके अंदर हम पूरा मतलब फीमेल फर्टिलिटी, चाइल्ड मोर्टैलिटी, फर्टिलिटी रेट और डेथ रेट और डिजीजेस, हम पूरा एक सर्वे बनाते हैं और उसके वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा जो है कलेक्ट करके डिफरेंट स्टडीज़ के काम आता है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, इसकी नोडल एजेंसी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साइंसेज IIPS मुंबई, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है कौन रिलीज करता है, कंडक्ट कौन करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। एंड दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो इसका मतलब इसका जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन ऑफ साइंसेज जो है इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिसेंट हुआ है वो 2019-20 का डाटा हमारे पास है, उसके मुताबिक टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है और जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है दैट इज 2.1, ये उससे भी कम है, ठीक है। तो इसमें हमने एक और चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया है। पहले हमारा 54% था, अब हमारा 67 यानी 67% जनता जो है वो अब कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके अवेयर है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था कुछ फैमिली हेल्थ फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं मैंने आपको कवर करवा दिए। इसमें आपको टू चाइल्ड पॉलिसी याद रखनी है, इंडिया ने लाई थी टू चाइल्ड पॉलिसी। इसके द्वारा क्या था कि दो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम करना, हमारा बेसिक मकसद चाइल्ड पॉलिसी को लेके ये था कि हमें टोटल फर्टिलिटी रेट कम करना था, हम दो हमारे दोस्त का स्लोगन था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है जो फैमिली प्लानिंग का टॉपिक, ठीक है। देखिए चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो इतना हमें नहीं डिटेल में वो करना, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अभी जब हम आगे पढ़ते जाएंगे ना तो इसमें एडिशन होती जाएगी, आगे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हेल्थ के रिलेटेड ही हैं, तो हम इसको ओवरव्यू आज हम देखते हैं, लेकिन आगे हमें एक एक स्कीम को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देखिए हेल्थ केयर के रिलेटेड जो बात है, हेल्थ केयर आप याद रखेंगे कि हेल्थ केयर में जो हमारे पास इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। देखिए इंडिया का जो हेल्थ केयर है ना, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा जो है फंड्स की जरूरत पड़ती है यूटिलाइजेशन की, और इंडिया का हेल्थ केयर जो है वो इतना अच्छा इतना इंप्रेसिव भी नहीं है। उसका रीजन क्या है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, एक तो पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। पॉवर्टी ज्यादा होती है तो हमारे यहाँ पे जो है डेथ रेट बहुत ज्यादा जो है बढ़ गया है, डेथ रेट ज्यादा हो जाता है, गरीबी ज्यादा है, तो उससे मतलब आप उसके बाद हम देखेंगे आगे हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे जो मैटर्निटी जो हेल्थ है वो फीमेल्स की वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हेल्थ केयर के साथ थी, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पॉवर्टी के कारण ना अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, ठीक है। अफोर्ड करना इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को वो भी महंगा था, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी की सारी सर्विसेज देनी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि इतना फंड यूटिलाइजेशन करना गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था। लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर उसको हेल्थ केयर को हम प्राइवेट ही रखें, अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर इतना पैसा ना लगाए तो पॉवर्टी के कारण लोगों ने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हमारा पॉपुलेशन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर्स में भी बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि हेल्थ केयर पे फंड यूटिलाइजेशन किया है, ठीक है। चलिए हम इसमें कुछ ओवरव्यू लेते हैं इसका। तो देखिए हेल्थ केयर में कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, आपको इन मिनिस्ट्रीज़ के बारे में याद रखना है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड वेलफेयर, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, एक हेल्थ रिसर्च का, एक डिपार्टमेंट जो है हेल्थ के साथ डील करता है और एक रिसर्च के साथ डील करता है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मिनिस्ट्री आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक और यूनानी और जो है मेडिसिन के साथ डील करती है, होम्योपैथी के साथ, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये भी हेल्थ केयर में आती है। और थर्ड हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, जो मेडिसिन बनाना फार्मास्यूटिकल्स वो सब करना वो जो है उसका ध्यान ये रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने ये तीनों मिनिस्ट्रीज जो हैं ये क्लब करके काम करती हैं और इस तरीके से एक बेटर हेल्थ केयर को हमने जो है इंडिया के अंदर लाने की कोशिश की। और आप
जान के हैरान होंगे कि इंडिया जो है लीड कर रहा है हेल्थ केयर में, ठीक है। इंडिया का जो हेल्थ केयर मिशन है ना, हेल्थ केयर मिशन है जो नेशनल हेल्थ मिशन हमने लॉन्च किया या जो आयुष्मान भारत लॉन्च किया, वो वर्ल्ड में जो है फर्स्ट नंबर पे है। इतना बड़ा, इतने लेवल पे हेल्थ को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, रूरल हेल्थ को मैनेज करना, अर्बन हेल्थ को मैनेज करना, लेकिन किसी तरीके से जो मिनिस्ट्रीज हैं ये कंबाइन होकर काम करती हैं, तो उस तरह से हेल्थ केयर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि आगे हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में हम ओवरव्यू लेंगे। उन प्रोग्राम्स के बारे में अभी हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमको वो अभी आगे जो है अलग अलग से आपको टॉपिक्स मेंशन किए हुए, हम बाद में उसको देखेंगे, लेकिन हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मेजर प्रोग्राम्स जो हैं जो हेल्थ और फैमिली के साथ हैं, मेजर प्रोग्राम्स जो हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, तो उसमें सबसे पहला तो नेशनल हेल्थ मिशन है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे लिए चैलेंज था, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हमने लॉन्च किया, आयुष्मान भारत, अब बहुत बार इनका नाम सुनते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने क्रिएट किया। उसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 में लाई गई, ठीक है। तो इस तरह से ये मेजर प्रोग्राम्स हैं जो हेल्थ केयर के अंदर काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जो मैंने आपको यहाँ मेंशन की हुई हैं, जिनमें से मेजर स्कीम्स हम कवर करेंगे आगे, जैसे जो आयुष्मान भारत है, ठीक है, जनानी सुरक्षा योजना, ये भी आपके आगे 6th यूनिट में ही है तो हम इसको कवर करेंगे। उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मिशन इंद्रधनुष हम कवर करेंगे, मिशन परिवार विकास, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मेजर स्कीम्स हैं जो हेल्थ के साथ डील करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाई गई, ठीक है। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम जो हमें करना है, इसमें आप याद रखिए कि नेशनल हेल्थ मिशन इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये 2005 में लाया गया, और आप याद करें कि ये दुनिया का मोस्ट ऑफ द लीडिंग हेल्थ मिशन था, ठीक है। इतने लेवल पे रूरल और अर्बन एरियाज में हेल्थ मिशन लाना कोई छोटी सी बात नहीं थी, बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 2005 के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया, इसका मकसद क्या था कि हमें एक्सेसिबल और अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ देनी है, यानी आम लोग इसको एक्सेस कर पाएं और हम अफोर्ड, मतलब लोग, आम लोग जो महंगी मेडिसिन है उनको हम सस्ते में जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके और क्वालिटी हेल्थ केयर दे, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है उनके अंदर क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम हो वल्नरेबल ग्रुप्स हो गए लोग का, मतलब जो गरीब लोग हैं, BPL जो लोग हैं, पॉवर्टी में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए, ठीक है। उसमें वुमेन सेक्शन आ गई, ठीक है, औरतों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई गई जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इसमें याद क्या करना है कि नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया, 2005 के अंदर, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये आप याद रखें कि रूरल हेल्थ मिशन जो है वो 2005 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी गांव में जो है 2005 में लाया गया था, और अर्बन वाला 2013 में लाया गया था, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स थे आपको याद रखना है कि हमें हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना था, हमें रिप्रोडक्टिव, मेंटल, न्योनेटल, चाइल्ड और एडोसेंट हेल्थ, इसका मिशन था। यानी रिप्रोडक्टिव हो गया यानी औरतों की जो वुमेन है प्रेग्नेंट हैं उसके, यानी प्री मेटर्नल, वो पूरा का पूरा ध्यान रखना है। न्योनेटल हो गया कि एक बच्चा पैदा होने के बाद हमें उस स्टेज पर जो है उसका न्यूट्रिशन, माँ का न्यूट्रिशन, उस पर स्कीम्स आई, और चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया। उसके बाद केबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी इसके अंदर कवर होती हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है, आपको उसकी डेट याद रखनी है 2005, ठीक है। आगे इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। देखिए उसके बाद आता है आयुष्मान भारत, ये आप जानते हैं कि एक फ्लैगशिप स्कीम थी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 में थी उसने रिकमेंड किया था, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो है आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करता है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाए जाते हैं इसके अंदर, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपने हज़ार बार सुनी होगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बेसिकली ये स्कीम है क्या, ये फ्लैगशिप स्कीम है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करती है, ठीक है। उसके बाद देखती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये बेसिकली वेलनेस सेंटर्स जो है ना उन्हीं को मंदिर, आयुष्मान मंदिर कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये 2021 में लाया गया, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, ठीक है। उस तरह से स्वच्छ सर्वा
जाएगा सर्वत्र। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग, आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है ठीक है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2016 में, और ये नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और लाइफस्टाइल के लिए ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि कायाकल्प प्रोग्राम ठीक है, कायाकल्प प्रोग्राम 2015 में लाया गया, कायाकल्प प्रोग्राम 2015, और स्वच्छ भारत अभियान के अंदर इसको क्लीनलीनेस हेल्थ केयर सेक्टर को मेंटेन करने की बात की गई ठीक है। कायाकल्प योजना के अंदर आपको याद रखना है कि बेसिकली ये था क्या कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है मतलब क्लीनलीनेस और उनको मतलब जो हेल्थ सेक्टर है ना उसको क्लीनलीनेस कितने क्लीन है उस बेसिस पे मतलब परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, तो ये कायाकल्प प्रोग्राम था ठीक है। उसके अलावा रोगी कल्याण समिति ठीक है, देखिए रोगी कल्याण समिति क्या था, बेसिकली ये पेशेंट वेलफेयर कमेटी बनाई गई थी, एक रजिस्टर सोसाइटी है जो मतलब हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर जो है पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए काम करती है ठीक है। उस तरीके से आगे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं आप याद रखेंगे, देखिए इसमें हम कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपके मेटरनल, ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मेटरनल एडोसेंट हेल्थ के साथ डील करते हैं ठीक है। मेटरनल हेल्थ क्या होगी, जो और वुमेन का फीमेल का जो है मेटरनल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, और एडोलसेंट हो गया कि एक बच्चा जो 17-18 लड़कियां जो खासकर होती हैं उनको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की बात की होती है ठीक है। जैसे इसमें आप याद रखेंगे कि सुरक्षित मातृवित्र आश्वासन ठीक है, आश्वासन इसको सुमन भी कहते हैं, तो ये मतलब क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, नो कॉस्ट एंड जीरो टॉलरेंस ठीक है, औरतों के लिए खासकर ठीक है, और न्यू बॉर्न के लिए ठीक है, मैटर्नल एंड न्यू बॉर्न के लिए ठीक है। उस तरीके से पैटर्नल पेरीनेटल चाइल्ड डेथ सर्विलेंस रिस्पॉन्स, ये 2021 में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया कि हम जो है मैटर्नल और पेरीनेटल डेथ्स को मेजर करेंगे ठीक है, कितने बच्चों की डेथ हो रही है पैटर्नल, कितनी माओं की डेथ हो रही है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसको मेजर करने की बात की गई। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृवित्र अभियान ठीक है, तो ये 2016 के अंदर लाया गया, इसके अंदर क्या था कि क्वालिटी जो है एंटीनेटल केयर वो गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा स्पेशलिस्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य का मतलब क्या था कि लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं उनको हम इंप्रूव करेंगे। लक्ष्य आप याद रखेंगे ये लेबर रूम के साथ डील करता था, लेबर रूम के लिए लाया गया था ठीक है। उसके बाद जनानी सुरक्षा योजना, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या था कि डायरेक्ट जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं प्रेगनेंट वुमेन के अकाउंट्स में ठीक है, तो ताकि वो अपना खाने पीने का ध्यान रखें उस तरह, इसको हम डिटेल में, यह है आपके सिलेबस में आगे, इसको हम कवर करेंगे ठीक है। उस तरीके से एक इंपॉर्टेंट है दैट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 2014 में लाया गया था, तो इसका मकसद भी क्या था कि जेंडर इक्विटी और एडोलसेंट पार्टिसिपेशन लीडरशिप को लाना ठीक है। तो इस तरीके से ही कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैटरनिटी के साथ डील करते थे। फिर आते हैं चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में देखिए राष्ट्रीय बाल स्वस्थ कार्यक्रम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय बाल जहाँ पे आ गए यानी बच्चों के लिए है, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 इयर्स, 18 साल के जो बच्चे हैं उनके 4 Ds पे ध्यान दिया जाएगा, डिफेक्ट्स एट बर्थ, अगर कोई बच्चों को बचपन में ही डिफेक्ट है तो उसको जो है देखा जाएगा और उसकी केयर की जाएगी, प्रॉपर मेडिसिन और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, डिफिशेंसीज को मेजर किया जाएगा कि हाइट कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, तो उस हिसाब से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वो रिकमेंड की जाएंगी, डिजीज़ को देखा जाएगा और डेवलपमेंट डेली डिसेबिलिटीज़ को ठीक है। तो यहाँ पे हमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये बच्चों से लेके 18 साल तक जो है कवर करता है ठीक है। उसके बाद सांस आप याद रखेंगे ये 2019 में लाया गया था, सांस का मतलब क्या है कि सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया ठीक है, ये बेसिकली निमोनिया को डील करता था। आप जानते हैं कि बच्चों में निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है, निमोनिया के कारण बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। निमोनिया क्या होता है कि ये बेसिकली आपके लंग्स पे अटैक करता है, तो ये जो है यहाँ पे निमोनिया को जो टारगेट करता था सांस ठीक है। उस तरीके से आप याद रखेंगे अनीमिया मुक्त भारत ठीक है, 2018 में लाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6x6x6 आपसे पूछा जाता है कि 6x6x6 स्ट्रैटेजी जो है वो किसके लाई गई थी, वो अनीमिया को। अनीमिया क्या होता है, बेसिकली अनीमिया होता है कि आरबीसीज की जो कमी होती है, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं यानी हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसे खून की कमी कहते हैं ना, पीली सी रंगत हो जाती है आपकी स्किन की, खून की कमी जिसे आम लैंग्वेज में कहते हैं, अक्सर ये वुमेन में बहुत देखा जाता है, एडोलसेंट लड़कियों में देखा जाता है या यंग लड़कों में भी देखा जाता है, तो अनीमिया जो है एक इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो अनीमिया मुक्त भारत 2018 में ये लॉन्च किया गया ठीक है।
उस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च। देखिए इम्यूनाइजेशन का मकसद क्या है कि वैक्सीन्स प्रोवाइड करना, तो इम्यूनाइज करना, ठीक है, लोगों को। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम है दुनिया में, जो इंडिया में लॉन्च किया गया 1978 में। आप देखते होंगे ना, बचपन से लेकर आज तक हमें हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती ले जाके वैक्सीन्स लगवाई जाती थी, तो वो 1978 में यही प्रोग्राम था। तो ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 12 डिजीजेज, आपको इसमें याद रखना है कि 12 डिजीजेज हैं जिसके लिए मेडिसिन जो हैं दी जाती हैं, बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती हैं, ठीक है। नेशनली जो है 9 डिजीजेज और 3 डिजीजेज सब नेशनली। अब ये डिजीजेज आपको सबको पता है, जैसे डिप्थेरिया है, मीजल है, रुबेल, टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं, जैपनीज निमोनिया, रेट्रोवायरस, इन सब के इंजेक्शन, इन्फ्लुएंजा। तो ये कुछ 12 डिजीजेज हैं जिनके लिए बच्चों को जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपको पता है, पहले हफ्ते में, फिर चौथे हफ्ते में, फिर 2 साल के अंडर। तो ये 1978 में लाया गया था, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिशन इंद्राधनुष। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, इंद्राधनुष 5.0 अभी आया है। ये भी वैक्सीनेशन कंपेन थी, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि कोई बच्चा जो है 5 ईयर ऑफ एज एंड प्रेगनेंट वुमेन जो है 2023 तक जो लेफ्ट आउट रूटीन से रह गए, तो उनको कवर करने के लिए था, ठीक है। ज़्यादातर इसमें मीसल को जो है कवर करने की बात की गई थी। उसके अलावा मीसल रुबेल एलिमिनेशन, ठीक है, मीसल्स एक बीमारी का नाम है, तो मीसल्स जो है रुबेला एलिमिनेशन जो है ये 2023 तक इंडिया ने कमिट किया कि हम करेंगे। उसके अलावा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, ये तो आपने बहुत बार, ये आप देखेंगे कि इसमें जो है इसकी एडवर्टीजमेंट आती थी, तो ये 1995 में लॉन्च किया गया था पल्स पोलियो। तो पोलियो बेसिकली पोलियो जो डिजीज़ होती है हमारी, उसको ख़त्म करने के लिए, तो 1995 में लाया गया था। तो इसमें 100% हमारा था कि ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी बच्चों को ना ओरली वो जो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे, ठीक है। तो कंट्री पोलियो फ्री करना था इंडिया को 2014 में, और ये हुआ भी, ठीक है। उस तरह से हमने यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म 2023 में लाया है। बेसिकली ऑनलाइन केस बेस्ड ट्रैकिंग करता है, रिपोर्टिंग करता है बच्चों की और प्रेगनेंट वुमेन की, ठीक है। यूविन डिजिटल प्रोग्राम ये किसके साथ डील करता है 2023 में, ऑनलाइन केस बेस्ड ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंट वुमेन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स, आपको इनको पढ़ लेना एक बार, तो आपको ये एक दो बार पढ़कर आपको याद हो जाएंगे। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वही करवाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उस तरीके से कुछ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आए। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो आयुष्मान भारत, हमने ऊपर भी पढ़ा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। जन आरोग्य योजना मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इंडिया के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। तो ये लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड स्कीम है जो पूरी वर्ल्ड में है, इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में। इसमें 5 लाख रुपए हर फैमिली को दिए जाते हैं, आपने याद करना है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये आता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर जाके आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपको कोई सेकेंडरी या टर्शरी प्रॉब्लम है, यानी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको 5 लाख पर फैमिली दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है। आप देखते होंगे कि वो कार्ड्स बनाए जाते हैं, हेल्थ कार्ड्स बनाए जाते हैं, जहाँ हम हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आयुष्मान भव जो है, आयुष्मान भव ये क्या है कि हेल्थ केयर स्कीम है जो विलेज लेवल पे, आपको याद रखना है, आयुष्मान भव जो है वो विलेज लेवल पे लॉन्च की गई, ठीक है। तो बेनिफिशरीज जो है लास्ट माइल बेनिफिशरीज, यानी हर बंदे तक जो है विलेज लेवल पे जो है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिले, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना याद क्या करना है आपको कि 5 लाख रुपया पर फैमिली दिया जाता है, पर किसके लिए, हर साल, पर ईयर, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए। ये आपको लाइन अच्छे से याद रखनी है, 5 पैसे कितने दिए जाते हैं, 5 लाख पर फैमिली, पर इंडिविजुअल नहीं, पर फैमिली, ओके। सेकंड चीज़ क्या है, पर ईयर, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते नहीं दिया जाता, हर साल दिया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकेंडरी प्लस टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, टर्शरी केयर के लिए, प्राइमरी के लिए नहीं, ठीक है। आपको 3 चीज़ें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में याद रखनी है। उसके बाद आयुष्मान ऐप जो है, ये एक ऐप लॉन्च की गई जिसके अंदर वेरिफिकेशन जो है की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में कोई गया और किसी ने बोला कि मेरे को ऑपरेशन
कराना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर, तो आयुष्मान ऐप के अंदर उसको प्रॉपर जो है अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे, जो ये आपको इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पहले पीएससी जो है एसएसबी पूछती है। देखिए मलेरिया हमारे इंडिया में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया की बीमारी है, ठीक है। देखिए मलेरिया आप सब जानते हैं कि मलेरिया बेसिकली एक पैरासाइट होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक पैरासाइट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया कराता है, ठीक है। इसमें जो एक एनोफिलस एक मॉस्किटो होती है आपको पता है, तो ये एनोफिलस जो मॉस्किटो है ये इसको बढ़ा मतलब आगे ये एज ए वेक्टर काम करती है। तो मलेरिया जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, क्यों? क्योंकि मॉस्किटोज बहुत प्रेजेंट हैं, गंदगी है, क्लीनलीनेस सैनिटेशन इतनी प्रॉपर नहीं है, ओपन डिफेक्शन होता था। तो इन सब की वजह से मलेरिया इंडिया जो है टारगेटेड था। तो हमने टारगेट किया कि 2030 तक हम मलेरिया को ख़त्म करेंगे शुरू में, ठीक है। उस तरह से काला आजार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काला आजार क्या है? काला आजार को हम जो है इसको हम बोलते हैं कि ब्लैक फीवर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। और ये बेसिकली काला आजार होता है कि एक लीशमेनिया करके ना एक लीशमेनिया पैरासाइट होता है उसके थ्रू होता है। आपको इनके पैरासाइट्स याद कर लेने इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी डिजीजेस, चाहे वो मलेरिया हो काला आजार हो। काला आजार जो है लीशमेनिया पैरासाइट से होता है। और आपको याद रखना है कि सैंड फ्लाई एक ना फ्लाई होती है इंडिया के अंदर, सैंड फ्लाई के बाइट से ये फैलता है। तो काला आजार को भी हमने एलिमिनेट करने की बात की 2023 तक। उसी तरह से लिम्फैटिक फिलरासिस 2027 तक हमने एलिमिनेशन टारगेट, आपको एलिमिनेशन टारगेट के ये ईयर्स याद रखने हैं, आपको पूछे जाते हैं। मलेरिया का एलिमिनेशन 2030 है, काला आजार का जो है 2023 था, लिम्फैटिक फिलरासिस का 2027 है। देखिए लिम्फैटिक फिलरासिस क्या होता है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं फिलरासिस क्या होते हैं। बेसिकली फिलरासिस में ना आपकी वो आपने देखा होगा किसी की एक टांग बहुत ज्यादा सूज जाती है, ऐसे बहुत बड़ी ये एक टांग, ये दूसरी टांग, तो ये बहुत सूज जाती है, ओवर साइज हो जाता है, ठीक है। ये भी बेसिकली एक पैरासाइट से ही होता है। कुछ वॉर्म्स हैं जो इसको मतलब ये हमारे अंदर बॉडी में घुस जाते हैं, तो ये हमें फिलरासिस कराते हैं। तो ये कुछ टारगेटेड ईयर्स हैं, आपको टारगेटेड ईयर्स इन बीमारियों के याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इंडिया के अंदर हमने सोचा था कि इस ईयर में हम ये इसको खत्म करेंगे। उसी तरह से हमने नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। लेप्रोसी भी इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, इसकी केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो अर्ली स्टेजेस पे इसको डिटेक्ट करने की बात की, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो लेप्रोसी जो है आपको याद रखना है कि लेप्रोसी जो है इसको हम ना हैंसन डिजीज भी कहते हैं, हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। और लेप्रोसी जो है ये बैक्टीरिया से होती है, ओके, बैक्टीरिया से होती है, और इसको बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये माइकोबैक्टीरियम भी बेसिकली एक स्किन इन्फेक्शन है लेप्रोसी, तो इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन है, तो इसको ख़त्म करने की बात की गई थी, ठीक है। उस तरह से हमने पढ़ा कि टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, टीबी क्या होता है, टीबी तो मैंने आपको बताया कि ट्यूबरक्लोसिस है, ये माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उससे होता है, ठीक है। टीबी बेसिकली किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो उस तरह से टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है हमने लॉन्च किया कि 2025 तक पहला हमारा गोल था कि इसको हम खत्म करेंगे, ग्लोबल टारगेट 2030 का था, ठीक है। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया टीबी मुक्त भारत 2021 में, ठीक है। उस तरह से निक्षय पोषण योजना जो है ये 2018 में लाएगी, उसमें 500 रुपया पर मंथ जो है डायरेक्टली जो है लोगों को पेशेंट्स को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, ठीक है। उस तरीके से एड्स को भी हमने इंडिया में एड्स बहुत कॉमन था, तो यूनाइटेड नेशन जो SDG गोल है 3.3 उसके अंडर जो हेल्थ में हमने एड्स को एंड करने की बात की। एड्स आप जानते हैं, एड्स भी जो है ये इसका जो ये वायरस के थ्रू होता है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। आपको इनके वेक्टर्स याद रखने हैं, एड्स जो है ये वायरस से होता है, और ये वायरस का नाम क्या है, HIV। टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है, ठीक है। तो उस तरीके से ये कुछ बीमारियाँ हैं जो इंडिया में बहुत कॉमन है। अगर आप सबके सब वेक्टर्स नहीं याद कर सकते तो आप इनके वेक्टर्स को याद कर लीजिए, जैसे मलेरिया का हो गया, काला आजार का हो गया, फिलरासिस का हो गया, टीबी का हो गया, एड्स का हो गया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उस तरह से कुछ ई इनिशिएटिव्स हैं, इन ई इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इस पर क्वेश्चन आ भी रहा है। देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके अलावा नेशनल टेली मेडिसिन सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ई संजीवनी क्या है कि यहाँ पर आपको मेडिसिन जो है, जो ई संजीवनी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हैं, पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हैं,
सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस थी जहाँ पे आपको कंसल्टेशन डॉक्टर्स की मिल जाती थी, ठीक है। उसके अलावा जो ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑन डिजिटल हेल्थ, ये भी G20 इंडिया की प्रेजिडेंसी 2023 में इसको लॉन्च किया गया। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ मतलब हमने बात की गई कि पूरा का पूरा जो हेल्थ है ना उसको हम ऑनलाइन कर देंगे, जिसमें आप देखते हैं कि कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लाएगी कि हमारी जो रिपोर्ट्स होंगी वो भी ऑनलाइन होंगी, डॉक्टर्स के पास पूरा का पूरा हमारा जो हेल्थ केयर जो हमारा एक रिपोर्ट होगी वो ऑनलाइन प्रेजेंट होगी। तो हम उसका डाटा कलेक्ट करने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो उस तरह से मेरा अस्पताल एक इम्पॉर्टेंट 2016 में एक फीडबैक सिस्टम था जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है ये एक फीडबैक पोर्टल था, मेरा अस्पताल 2016 में आता है ये, ठीक है। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास है टेली मानस, ये आपको याद रहेगा कोविड में बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक यूनिवर्सल एसेस है कि हम इसमें ना अफोर्डेबल जो है हेल्थ केयर मेंटल हेल्थ केयर के साथ ये रिलेटेड है, और 24/7 जो है टेली मानस जो है ये जो है इसमें हमें सर्विस मिलती रहती है। जैसे कोई सुसाइडल थॉट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो टेली मानस बेसिकली मेंटल हेल्थ के साथ डील करते हैं। आप यहाँ पे कॉल करके या इस ऐप पे जाके जो है आप इनका सर्विस को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है, ये यात्रा क्यों कराई गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुँचाना, लोगों को जो है अवेयरनेस करना, ये उसके लिए थी, ठीक है। उसके अलावा कोविड के कुछ हैं वो आपको इतना पढ़ लेना, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कोविड के रिलेटेड जो कोविड के टाइम लाया गया था, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूरा ये हेल्थ का कंप्लीट होता है। आपको अब याद रखना है कि जैसे हेल्थ में अभी भी बहुत काम हो रहा है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका आयुष्मान भारत है, हम इसको आगे भी डिटेल में करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन है, हम उसको आगे ही आपका सब यूनिट अलग से मेंशन है जिससे हम बहुत डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इसमें लास्ट पे आपको याद रखना है कि वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे आप याद रखेंगे 30 सितंबर 2025, ठीक है। तो इस तरह से गाइज आपका ये पूरा का पूरा यूनिट सब यूनिट कम्प्लीट होता है हेल्थ का। और जो हेल्थ के टॉपिक्स हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन हमें अलग से पढ़ना है, उसके अलावा हमें पोषण अभियान को अलग से पढ़ना है, न्यूट्रिशन मिशंस को अलग से पढ़ना है, तो जनानी सुरक्षा योजना, ये जितनी भी एडोलसेंट गर्ल्स, ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये बेसिकली हेल्थ के साथ ही रिलेटेड हैं। तो जो भी अभी यहाँ पे हमारी स्कीम्स छूटी हैं वो आगे हम अलग से इन सब यूनिट्स में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।